हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे डेली लाइफ डायरी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे परवल दो प्याजा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हमने जो ये सामग्री ली है, ये परवल, प्याज, टमाटर, लहसुन, एक गाँठा तेजपत्ता, अदरक तीखा के अनुसार, मिर्ची, तो प्याज देख रहे हैं 6-7 है, उसको हमने कट कर लिया। टमाटर 2 है, 1 kg परवल है और हमने 2-2 पार्ट कर दिया है परवल को। तो अब हम चले परवल को फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में सरसों तेल डाल करके गर्म किया और इसमें परवल को डाल दिया और मध्यम आंच पर परवल को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि जितना अच्छा परवल का फ्राई रहेगा सब्जी आपका अच्छा बनेगा। और इधर हमने लहसुन 1.5 गांठ लिया था और तीखा के अनुसार मिर्ची है, अदरक और इसमें से प्याज भी हम पीस लेंगे, एक प्याज डालकर पेस्ट बना लेंगे। और इधर परवल को देखिए धीमी आंच पर फ्राई करते हुए परवल को फ्राई करेंगे। और दोस्तों हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना सहयोग प्यार देते रहिएगा। तो अब हमारा परवल फ्राई होकर तैयार हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे दूसरी बर्तन में। फिर से कढ़ाई में सरसों तेल डालेंगे, जीरा का फोरन दिए 1 छोटी चम्मच से जीरा, 2 मिर्ची, तेजपत्ता और इसमें जो हमने प्याज कट करके रखा है उसको डाल लेंगे और अच्छी तरह से प्याज को फ्राई करेंगे। मध्यम आंच पर ही फ्राई करेंगे जो अच्छी से फ्राई हो। और इधर हमने टमाटर को भी कटिंग कर लिया है। प्याज जब फ्राई होगा तो इसका कलर भी चेंज होने लगेगा, सॉफ्ट भी हो जाएगा और ब्राउन कलर प्याज का फ्राई होकर हो जाएगा। अब हम ये जो पेस्ट बनाया था उसको डाल दिए, हल्दी 1 छोटी चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच है मिक्स पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब इसको हम फ्राई करते रहेंगे। बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मसाले को फ्राई करेंगे। जैसे जैसे मसाला, और ये है कश्मीरी मिर्च 1 छोटी चम्मच, 1 चम्मच, इसे सब्जी में कलर अच्छा आता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो जैसे जैसे मसाला फ्राई होगा वैसे वैसे मसाला का कलर चेंज होते जाएगा। ये है परवल 2 प्याजा, तो साथ में
प्याज ही फ्राई होते रहेगा मसाले के साथ, और थोड़ी थोड़ी देर हम बीच में पानी डाल करके मसाले को फ्राई करते रहेंगे। जितना अच्छा से मसाला फ्राई कीजिएगा उतना अच्छा आपका सब्जी का टेस्ट होगा। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। परवल दो प्याजा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो मसाला का कलर देखिए, देखने से लग रहा है जो मसाला तैयार हो रहा है और हो ही गया। अब इसमें हम जो फ्राई किया हुआ परवल है उसको मिक्स कर देंगे मसाले के साथ, और 5 से 10 मिनट तक इसको मसाले के साथ हम फ्राई करेंगे ताकि मसाला का टेस्ट इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम ग्रेवी के अनुसार, जितना ग्रेवी हमको रखना होगा उस अनुसार इसमें पानी मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि ग्रेवी को गाढ़ा ही रखना है लटपट। तो इतना हमने परवल को थोड़ा और सॉफ्ट होने के लिए डाल दिया है। ये जब उबल करके परवल अच्छी तरह से पक जाएगा और ग्रेवी गाढ़ा हो जाएगा, इसको हम ढक करके पकाएंगे। एक चम्मच छोटे चम्मच से गरम मसाला पाउडर है उसको भी मिक्स कर दिया। तो दोस्तों देखिए, परवल दो प्याजा लग रहा है जो तैयार हो चुका है। थोड़ा सा और ग्रेवी को गाढ़ा करते हैं और देखिए ग्रेवी गाढ़ा हो गया। बस इसमें परवल लटपट दिख रहा है, प्याज परवल सब्जी तैयार है। इसको परोस लिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।